एसोसिएट रहे हैं कौन इससे? एसोसिएट रहे हैं जेटोर सिस्टम से, तो इसका राइट आंसर है ए कैल्विन मूर्स। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थेजरोफैक्ट, 104 क्वेश्चन हम देखते हैं। गुड एग्जाम्पल ऑफ थेजरोफैक्ट, थेजरोफैक्ट क्या है यहाँ पे? तो थेजरोफैक्ट एक इंग्लिश टर्म है जिसको 1969 में इसको बनाया गया था। तो इसके तहत हम टेस्ट जो है, टेस्ट इसका एग्जाम्पल है। 105 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। डिफ्यूजन थ्योरी ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन, डिफ्यूजन की जो थ्योरी है नॉलेज बेस्ड इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है? तो वो बेस्ड है हमारी साइटेशंस पे। सिक्स इसका साइटेशंस पे है। 105 क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 106 क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और देखते हैं। कोडेंट सिस्टम वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, कोडेंट क्या है? तो कोडेंट 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड सिस्टम है जिसको प्रिपेयर किया और डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको ASTM। इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 107 क्वेश्चन की तरफ। हु डिवाइज्ड द स्लैक्टो सिस्टम ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। हम पहले ही बता चुके पोस्ट कोऑर्डिनेट और प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में अंतर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें सी आंसर इसका सही है। जी कोऑर्डिनर ने इसको डिवाइस किया था, सिलेक्टो सिस्टम ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। 108 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और देखते हैं। इन द यूनेस्को थेजोरस वॉल्यूम 1 द सिंबल ऑफ दिस, ये सिंबल है जो इसका इस्तेमाल इंडिकेट्स, जो यूनेस्को का थेजोरस का वॉल्यूम 1 में उसमें ये प्लस जो सिंबल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो किस के रूप में, किस फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल किया गया? तो इसका आंसर है सी क्रॉस रेफरेंस टू सर्टेन इन अदर शेड्यूल। तो इसका सी आंसर 108 का सी सही है। 109 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते हैं। द इन द यूनेस्को थेजोरस वॉल्यूम 1 द सिंबल इक्वल इंडिकेट्स, जो सिंबल इक्वल का इस्तेमाल यूनेस्को के थेजोरस वॉल्यूम 1 में हुआ है तो वो किस लिए इंडिकेट होता है? तो वो होता है हमारा नॉन डिस्क्रिप्टर। तो इसका आंसर भी सही है। 110 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ यूनेस्को थेजोरस वॉल्यूम 1 डील्स विद द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को डीलिंग कर रहा है यूनेस्को का थेजोरस वॉल्यूम 1, वो कौन सा सेक्शन है? तो वो सेक्शन है हमारा जेड सेक्शन। डी आंसर इसका सही है। 111 की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं। 111 क्वेश्चन, सेक्शन वाई ऑफ यूनेस्को थेजोरस वॉल्यूम नंबर 1 डील्स विथ, सेक्शन वाई किस चीज़ को डील करता है? तो वो डील करता है कम्युनिकेशन को। तो सी इसका आंसर सही है। 112 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द यूनेस्को थेजोरस, इनमें से कौन सा जो है जो टर्म है वो थेजोरस यूनेस्को थेजोरस में इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो वो हम देखते हैं इसमें सी आंसर इसका सही है। सी आंसर में हम देखते हैं इसमें माउंटेंस को, माउंटेंस है, रिवर्स है, ओशंस है और सीस हैं, तीन सब इन सबको इस्तेमाल यूनेस्को के थेजोरस में नहीं किया गया है। 113 क्वेश्चन हम देखते हैं। द वर्ड थेजोरस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, थेजोरस जो वर्ड है ग्रीक से निकला है, वो किस वर्ड से आया है? तो वो आया है थेजोरस, थेजोरस इसका अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 114, आर्कियोलॉजिकल टर्म और ट्रेजरी ऑफ टेम्पल मीन्स, आर्कियोलॉजिकल टर्म और अ ट्रेजरी ऑफ टेम्पल मीन्स क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर है क्लॉजरस, इसका आंसर है थेजोरस। बी आंसर इसका सही है। 115 क्वेश्चन 15 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेजोरस रोडेंट एंटी माइक रिप्रेजेंट, रोडेंट एंटी का इस्तेमाल थेजोरस में किस चीज़ के लिए होता है? तो वो होता है हमारा जेनेसिस, जेनेस स्पेसिस रिलेशनशिप। 116 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टू रिप्रेजेंट द इक्वलेंस रिलेशनशिप
इन एनी थेजोरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट इक्वल रिलेशनशिप। थेजोरस के अंदर इक्वल रिलेशनशिप को हमें दर्शाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें यूज का इस्तेमाल हुआ है ए, इसका आंसर सही है। 117 क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जर्नल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज प्रोपोंग बाय, जो जर्नल थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की जर्नल थ्योरी है उसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था जी गणेश भट्टाचार्य, इसका सी आंसर सही है। 118 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं द टर्म इंडेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो इंडेक्स है जो ड्राइव किस वर्ड से लैटिन वर्ड से आया है, तो वो आया है हमारा इंडिकेयर, इंडिकेयर मतलब सूचनायक, सूचना प्रदर्शक, तो सी आंसर इसका सही है। एनी स्टेट फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम NEPHIS इसका फुल फॉर्म है वॉज डिवाइज्ड बाय, तो इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है टी कार्वेन, ए आंसर इसका सही है। 120 क्वेश्चन, टू स्पेशल कैरेक्टर्स, हम यहाँ पे टू स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल इन यूज्ड इनपुट स्ट्रिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इस्तेमाल किस में हुआ है, किस इंडेक्सिंग सिस्टम में हुआ है, तो इनका इस्तेमाल हुआ है NEPHIS इंडेक्सिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल हुआ है, सी आंसर इसका सही है, ग्रेटर देन लेसर देन। नेक्स्ट हम देखते हैं 121 क्वेश्चन, इंडिकेटर साइन एट द रेट का इस्तेमाल, यूज्ड इनपुट स्ट्रिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस इंडेक्सिंग सिस्टम में एट द रेट का इस्तेमाल हुआ है, तो वो है आंसर NEPHIS, डी इसका आंसर सही है। 122 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेदर इन कॉन्टेक्स्ट KLIC विच वी की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट KLIC हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, तो KLIC को किसने डेवलप्ड किया था, तो ये डेवलप्ड किया था कैंट, डी आंसर इसका सही है। 123 क्वेश्चन, द वर्ड थेजोरस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो थेजोरस वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से आया है वो किस वर्ड से आया है, ग्रीक जो ग्रीक लैंग्वेज से आया, तो वो कौन सा वर्ड है जो थेजोरस के रूप में आया, तो वो है थेजोरस, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द फर्स्ट एडिशन ऑफ मैथ्स इज ऑन, मैथ्स जो इंडेक्स है मेडिकल फील्ड का, वो उसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो उसका फर्स्ट एडिशन 1960 में आया था। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम देखते हैं थेजोरस इक्वल टू थेजोरो फैक्ट एंड क्लासिफिकेशन शेड्यूल, ए आंसर ए दिख रहा है, बी हम देखते हैं थेजोरो फैक्ट एंड थेजोरस क्लासिफिकेशन शेड्यूल, आई थिंक इसका बी इज राइट आंसर। 125 का क्वेश्चन का बी आंसर सही है। 126 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्लेस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ, WELCH प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ, ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था, तो ये था साइटेशन इंडेक्सिंग से, ए सी आंसर इसका सही है। फ्रैंक सेफर्ड इज एसोसिएट विथ, 127 क्वेश्चन, फ्रैंक सेफर्ड इज एसोसिएट विथ, तो इसका आंसर है साइटेशन इंडेक्स, ए आंसर इसका सही है। EUDISAD थेजोरस, EU यूरोपियन यूनियन का जो एक थेजोरस है उसका वो किससे एसोसिएट विथ है, वो किस लैंग्वेज में है, तो वो हम देखते हैं इसका सी आंसर, या मल्टीलिंगुअल थेजोरस है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन, रूट थेजोरस यूज्ड विच सिंबल, तो ब्रॉडर टर्म, इनमें से रूट जो थेजोरस है उसमें ब्रॉडर टर्म के रूप में किस सिंबल का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं ब्रॉडर टर्म के लिए इन्होंने ए आंसर को सही है इसमें ब्रॉडर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, रूट थेजोरस यूज्ड विच सिंबल फॉर रिलेटेड टर्म, विच सिंबल रिलेटेड टर्म, रिलेशनल टर्म दर्शाने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल रूट थेजोरस में हुआ है, तो वो हुआ है डैश का, बी आंसर इसका सही है। 131 क्वेश्चन, 131 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, एस्लेप क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट एक 1957 एक्सपेरिमेंटेड वाज रिलेटेड विद, जो एस्लेप ने क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट को बनाया था वह किससे संबंधित था,
तो वह था हमारा साइटेशन इंडेक्सिंग। साइटेशन इंडेक्सिंग क्रैनफील्ड प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट जिसको एसलेब ने बनाया था कि हम किस टर्म को देखने के लिए कितना समय लग रहा था। तो उन्होंने विभिन्न साइटेशन विभिन्न इंडेक्सिंग सिस्टमों पर इसको लागू किया था। तो उन्होंने फिर उनमें से देखा कि हम जो टर्म हम सर्च कर रहे हैं उसमें सबसे कम समय किस इंडेक्सिंग सिस्टम में लग रहा, उसी सिस्टम को लेके हमने इन्होंने साइटेशन इंडेक्सिंग सिस्टम को एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में दिखाया था। 132 132 क्वेश्चन। एच ए सी इंडेक्स, एच ए आई सी इंडेक्स, रिंग इंडेक्स आर जनरली फाउंड इन द बीच ऑफ द फॉलोइंग। रिंग इंडेक्स और एच ए आई सी इंडेक्स, इनमें से किस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो दिखाई देता है? तो वो है हमारा मैथमेटिकल रिव्यू। सी आंसर इसका सही है। 133 क्वेश्चन। रिस्पॉन्स द फॉलोइंग डैश ए इक्वल पॉप्सी इज नॉट बेस्ड और ऑन एनी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एज द चैन एंड। तो हम देखते हैं इन जो ए और बी है, ए और बी में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए देख रहे हैं पॉप्सी इज नॉट बेस्ड ऑफ एनी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एज द चैन इंडेक्सिंग। बी पॉप्सी यूज इंडिकेटर डिजिट, चैन इंडेक्सिंग डज नॉट यूज। इन दोनों की जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हम देखें तो बोथ ए और बी इसका सही है, मतलब कि पॉप्सी इज यूज बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चैन इंडेक्सिंग, राइट। ये भी सही है, पॉप्सी यूज इंडिकेटर डिजिट, चैन इंडेक्सिंग डज नॉट यूज। इंडिकेटर डिजिट का पॉप्सी में इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी सही है हमारा। 134 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और देखते हैं। वॉट इज द जर्नल रीडर ऑफ सिग्निफिकेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय ई जे कोड्स एमंग। इन्होंने ई जे कोड्स ने जो जर्नल ऑर्डर है वो किस किस रूप में है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने थिंग्स को लिया है, फिर पार्ट को लिया है, फिर मटेरियल को लिया है, फिर प्रॉपर्टी को लिया है, और लास्ट में एक्शन को लिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 135 की। द पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम यूज्ड बाय बैटन एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनियर इज आर रेफर्ड टू एज। द पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम यूज्ड बाय द बैटन, जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम को यूज किया था बैटन ने, और कोऑर्डिनेटर इज द रेफर्ड एज टू। तो हम इसमें आंसर देखते हैं, तो इसमें ऑल द अबव इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हाउ मैनी फाइल्स। कितनी फाइल को कंसिस्ट करता है यूनिटर्म इंडेक्सिंग, तो यह करता है 2 फाइल को। बी आंसर इसका सही है। जोटो कोडिंग सिस्टम इज वन टाइप्स ऑफ, 137 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, वन ये टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम। ए आंसर इसका सही है। 138 क्वेश्चन। जोटो कोडिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, जोटो कोडिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया था? तो उस सिस्टम को डेवलप किया था मूर्स ने। ए आंसर इसका सही है। 139 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इन प्रेसिस इफ द एंट्री इज मेड अंडर द ऑपरेटर 012 देन नॉन एज। 012 के अंदर कोई एक एंट्री इन्होंने मेड की है प्रेसिस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ए आंसर इसका सही है। 140 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंडेक्सिंग सिस्टम। टोटल 140 हमारे क्वेश्चंस इस इंडेक्सिंग सिस्टम में आए हैं। हम देखते हैं इन प्रेसिस इफ द एंट्री इज मेड अंडर द ऑपरेटर 456 और दिस डिपेंडेंट एलिमेंट्स देन नॉन इज। 456 के अंदर ऑपरेटर के अंदर वो टर्म्स आए हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं इनवर्टेड फॉर्मेट। तो इस प्रकार हमने 140 क्वेश्चन इन 3 वीडियोस के माध्यम से इंडेक्सिंग सिस्टम को यहाँ पे हमने ख़त्म किया है। हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियोस हैं हम उनके बारे में मैनेजमेंट के बारे में आगे जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।